सबसे पहले तो मेरा ये है कि जैसे मैंने स्पीच में बोला कि कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पूरी नई टीम आई तो उन्हें नहीं मालूम होगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, तो हम इंशाल्लाह कंटिन्यूटी एक ब्रिज का काम करेंगे इंशाल्लाह। उसका पर्पस है कि इंटरफेथ मुस्लिम क्रिश्चियन, मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम बुद्धिस्ट, उनसे आपस में बात हो, जो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई गलत फहमी, तो उसको दूर किया जाए, और हम और जस्ट प्रमोट इंटरनेशनल ब्रदरहुड। तो इंटरनेशनल ब्रदरहुड बाद में आएगी, पहले इंडियन जो हमारे लोग हैं उनके साथ हम मिल करके, और जो दूसरा जो इंटरनेशनल माहौल बन रहा है कि मैं मिंस नहीं करूँगा कि मुसलमान टेररिस्ट है, तो यहाँ पे जो गलत फहमी है तो हम दूर करें। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, यही चीज़ें रह गई हैं जिसने हमें कंपेल किया है इलेक्शन लड़ने के लिए। उसमें भी हम जो देखिए 72 फिरके में तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हदीस है, वो तो होना है, लेकिन जो आपस में लड़ाई या डिफरेंसेस हैं, हम उसमें बिठा करके कि कुछ कॉमन मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना लीजिए कि कम से कम उसके लिए पॉलिटिकल फाइट कीजिए। जो जैसे अमीर खुसरो है और इनका भी कल्चर हम किया होता, उससे फायदा हो सकता है। हाँ, अगर हम लोग सूफिज्म की तरफ, भक्ति मूवमेंट की तरफ जाएं, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि भक्ति मूवमेंट या सूफिज्म वो मिला करके रखना चाहते हैं, वो डिवाइड नहीं करते हैं, तो हमें आपस के जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उन्हें दूर करना पड़ेगा। तो ऐसा है ही नहीं कि जो आप मुसलमानों को बता सके वो काम के वो लोग क्या थे, तो ये काम इस्लामी करते सेट करना चाहिए था। इसीलिए हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, और देखिए हम लोग राय दे सकते थे, BOT या इसी राय दे सकता है, सब जो IMO जो चेंज हुआ है उसमें प्रेसिडेंट को पावर है पूरी, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया। तो हाँ, तो बहुत से मिनट्स बनते थे, हम लोग राय देते थे कि एडहॉकिज्म जो है अथॉरिटेरियन वो खत्म होना चाहिए। इंशाल्लाह डे वन से हम लोग पूरा करेंगे, इंशाल्लाह डे वन से। आपने आपत्ति जताई सलमान खुर्शीद साहब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सिराज साहब पर भी आपत्ति है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं BOT का? हमें अगर कोई कुछ 20 साल में नहीं कर सका है, अब उससे क्या उम्मीद कर सकते, जैसा व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है, और जो वो हमारे मंत्री रहे जिनका आप नाम ले रहे हैं, जब 2009 में वो हार गए बदकस्मती से, हार जीत तो लगी रहती है, तो उसके बाद बड़े अच्छे बुरे दौर से गुजरा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, तो मेंबर्स ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप में कि उम्मीद करते थे कि सीनियर वकील हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तो माशाल्लाह अपने बच्चे के सुध लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो सकता है वो बिजी रहे हों और कोई वजूहत हो, आइंदा इंशाल्लाह ताला आप मुलाकात होगी तो बेहतर अचीवमेंट मिलेगा हम लोगों को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह डे वन से इंशाल्लाह।